वंदे मातरम। स्वाधीनता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। 15 अगस्त की पावन सुबह है, हमारी आजादी का जश्न है। 76 वर्षों की शानदार यात्रा के बाद हम आज जहां आ पहुंचे हैं, वहां से भविष्य बड़ा उज्जवल दिखता है। आज हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सन 1947 में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया था। तब से हर साल स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की छटा अलग होती है। आज वही मौका है, वही शुभ अवसर है। अब से कुछ ही देर में भारत के प्रधानमंत्री यहां पधारेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नमस्कार एंड जॉयस इंडिपेंडेंस डे ग्रीटिंग्स। As you rise and shine this August morning, the historic Red Fort at Delhi gets ready to welcome the 15th of August 2023 with pride, patriotism and promise. With national pride being the cornerstone of all Independence Day celebrations, it is with an enduring sense of deep reverence and respect that the largest democracy in the world celebrates its 77th Independence Day today. A day made possible by the sacrifice, discipline and dedication of generations of freedom fighters. A day made special by the spirit, youth and vibrancy of a young nation. A day made celebratory by the promise of a progressive tomorrow. And Red Fort here today, a picture of perfection and preparedness, waiting to resonate with the beats of our national anthem when Prime Minister Narendra Modi will arrive here to hoist the national flag and address the nation. आज अवसर है उन देशभक्तों को याद करने का, जिनके संघर्षों, त्याग और बलिदान की बदौलत हम आजाद हो सके। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो अत्याचार, जो जुल्म स्वतंत्रता सेनानियों पर ढाए गए, वो किसी भी व्यक्ति के मनोबल को डिगा सकते थे, लेकिन इन देशभक्तों ने भारत को आजाद करने का जो सपना देखा था, उसके लिए हर कीमत चुकाने को वो तैयार थे। वो हंसते हंसते फांसी पर भी चढ़ गए। उनके मन में हमेशा यही विचार था कि आज नहीं तो कल उनका बलिदान रंग लाएगा, गुलामी की जंजीरें टूटेंगी, देश आजाद होगा। 15 अगस्त 1947 को यह सपना साकार हुआ। भारत अब दुनिया का एक आजाद देश है। भारत की अहमियत और हैसियत हर दिन बढ़ रही है। एवरी टाइम वी गैदर हियर टू सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे एट द रेड फोर्ट, वी आर रिमाइंडेड दैट आर्किटेक्चर has this wondrous ability to give meaning to form the coming together of men, material and mastery craft. And in this saga of what went into making us who we are and taking us to where we are today, some of the most inspiring stories are of people whom we have not even read about, silent revolutionaries, quiet workers and strong rebels, men and women, who broke norms, challenged social constructs and led by example. Today, we salute all the sung and unsung heroes who gave patriotism true meaning. ये गौरव गाथा है भारत के उन अनगिनत नायकों की, जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया। ये स्मरण है हिंद के शूरवीरों के उन साहसिक आंदोलनों का, जिनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजों को पराजित कर भारत मां को आजादी दिलाई। परतंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, बगावती तेवर थे और हर आंख में बस रहा था आजादी का सपना। इसी सपने को सच करने की शुरुआत थी 1857 की क्रांति।
आजादी की इस पहली क्रांति में मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे शूरवीरों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राष्ट्र निर्माण की भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर आजादी की लड़ाई में ये मील का पत्थर साबित हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने आग में घी का काम किया। त्रिमूर्ति लाल बाल पाल की रणनीति ने स्वतंत्रता संघर्ष में नई जान फूंक दी। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली। समय के साथ एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के अनुपम प्रयोग से ब्रिटिश शासन को स्तब्ध कर दिया। नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों के मन माफिक शोषण से बचाने के लिए किए गए चंपारण सत्याग्रह ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को नजदीक से देखा और महसूस किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को आक्रोशित कर दिया। लोगों में गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा। यहीं से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, जिससे स्वदेशी की मांग जोर पकड़ने लगी और बढ़ने लगी अंग्रेजों की मुश्किलें। आजादी की लड़ाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से गति प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन क्षमता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की रणनीति ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके अगले वर्ष ही गांधी जी ने नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ते हुए कहा कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलने लगी। हिंद के नायकों का पराक्रम जारी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और अश्फाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शहादत से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। 1942-43 का समय, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन की मुश्किलें बढ़ा रही थी। तो वहीं देश में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो के जज्बे से भरे इस आंदोलन में पूरे देश की भागीदारी रही। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हो गया था कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादी कवि, लेखक, इतिहासकार और स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका अतुलनीय रही। उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच, अपने लेखन और विचारों से जनमानस को संगठित कर मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए प्रेरित किया। बड़े आंदोलनों ने जहां स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूती प्रदान की, वहीं क्षेत्रीय आंदोलन भी आजादी के लक्ष्य तक पहुंचने में मील का पत्थर साबित हुए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा क्रांति, रानी गायदिनलियू के मार्गदर्शन में नागा आंदोलन या फिर वीरता और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति रानी चिन्नम्मा का कित्तूर संघर्ष, ऐसी ही अनगिनत गाथाओं और आंदोलनों का गौरवपूर्ण परिणाम है 15 अगस्त 1947,
भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में शान के साथ लहराया हमारा तिरंगा। The historic Red Fort, holding in its embrace an important part of India's history as it unfolded over time, and none of this, what we hold so dearly as a nation and are so proud of, would have been possible without the valiant efforts and sacrifice of all those who fought for freedom in this land. In fact, no other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial, and today we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one. And speaking of oneness, the single most visible symbolic representation of the nation's pride has, since time immemorial, always been the national flag, our tricolor, the Tiranga, holding in its symbolism the calm and courage of valor and sacrifice, and the benign and gentle gaze of peace, and our strong, proud connect with the earth. The fountainhead of all prosperity flutters proudly in our homes, hopes and hearts. भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह 77वां स्वतंत्रता दिवस प्रमुख आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किला जिस पर शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा भारतीयता पर हमें है गर्व मिलकर मनाएं स्वाधीनता का पर्व। ये तिरंगा केवल तीन रंग का वस्त्र नहीं है, हमारा ध्वज देश की शान है, आन है, बान है, हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता हुआ नजर आता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों की आन बान और शान। राष्ट्रीय ध्वज के इस स्वरूप तक आने का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा से ही स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग रहा। पहला राष्ट्रीय ध्वज बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को सचिंद्र प्रसाद बोस ने कलकत्ता में फहराया था। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम भीकाजी कामा और अन्य निर्वासित क्रांतिकारियों ने 1907 में फहराया था। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज पहले और दूसरे से काफी अलग था। इसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान फहराया था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के युवा क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक ध्वज दी जो लाल और हरे रंग की दो पट्टियों से बना था। गांधी जी के कहने पर इसमें सफेद पट्टी और चरखे को भी जोड़ा गया। 1931 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा का एक यादगार वर्ष है। कुछ बदलाव के साथ तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यही पांचवां राष्ट्रीय ध्वज था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। समिति ने मूल रूप से पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज में संशोधन कर चरखे की जगह गहरे नीले रंग में अशोक के धर्म चक्र को रखने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना। Today is a celebratory day for every Indian living not only across the length and breadth of our multicultural and multilingual nation, but also across the myriad time zones of our deeply interconnected world. And as we come together today, we celebrate so many things. Our complete achievement, resilience, our
freedom fighters and soldiers, and of course all those who serve with integrity and diligence this diverse, tolerant, complex, vibrant and amazing nation. Over here at Red Fort, 1100 NCC cadets from different arms of the National Cadet Corps have gathered, and surrounding on three sides they are seated in their white uniforms. And of course India is currently holding the G20 presidency, and in the center is the G20 logo. So here we have a sampling of the complex, vibrant, paradoxical and incredible nation we call home, a land that has patiently and protectively nurtured and held a civilization that is as deep-rooted as it is dynamic, as modern as it is traditional. Well, you can take your pick. We fit in. And today we belong with pride to a free India, free to honor, salute and hoist its national symbols like the Tiranga. But it wasn't always like this. It's a long story how we got here. तिरंगे का रंग छाया हुआ है और तिरंगे झंडे ने मानो सबको एक सूत्र में बांध दिया था। तब सबके मन में एक तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि आजाद भारत का ध्वज कैसा होगा। अलग अलग तरीकों और सिद्धांतों के मानने वाले भी इस झंडे से जुड़ गए। जन जन को जोड़ने के लिए भी ध्वज ऐसा सूत्र था जिसकी रक्षा और मान सम्मान हर देशभक्त का कर्तव्य बन गया। हमारे स्वाधीनता आंदोलन की एक प्रमुख घटना थी झंडा सत्याग्रह। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का व्यापक असर था। अपने तिरंगे को फहराने के लिए जबलपुर और नागपुर में जबरदस्त आंदोलन हुआ। अंग्रेजों को आशा नहीं थी कि बात उनके हाथ से निकल जाएगी, बाद में उन्हें इसकी अनुमति देनी पड़ी। आंदोलन की जिन प्रमुख घटनाओं ने ब्रिटिश राज को झकझोर दिया था, उनमें से एक था झंडा सत्याग्रह। सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय झंडा फहराने की मनाही थी। झंडा सत्याग्रह जब राष्ट्रव्यापी हुआ तो इसकी कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाली। सरदार पटेल का यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। 18 जुलाई 1923 को वल्लभ भाई के नेतृत्व में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से तिरंगा यात्रा निकाली गई। लौह पुरुष ने साबरमती के तट पर अपार जनसमूह को अपने ओजस्वी संबोधन से झंडे के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वल्लभ भाई ने नागपुर में अपनी कुशल रणनीति और बेहतर प्रबंधन से झंडा सत्याग्रह को प्रभावी बनाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। 18 अगस्त को तिरंगा यात्रा ने दोबारा रफ्तार पकड़ी। सरदार पटेल ने इतना जोरदार संघर्ष किया कि ब्रिटिश सरकार घबरा उठी और गवर्नर ने सरदार को बुलाकर स्वयं समझौते की बातें की और बिना किसी शर्त के कैदियों को छोड़कर हर जगह झंडा ले जाने की मांग को स्वीकार कर लिया। नागपुर के झंडा चौक पर सत्याग्रहियों ने तिरंगा यात्रा की। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ झंडा सत्याग्रह के सफल होने का जश्न मनाया। झंडा सत्याग्रह के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर मां भारती के नायकों को शत शत नमन। भारत की आजादी का पर्व आज हम लाल किले पर मना रहे हैं और इस अवसर पर उन रणबांकुरों को, उन आजादी के परवानों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने आज का दिन दिखाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है। एक संकल्प था क्रांतिकारियों का देश की आजादी के लिए, और एक संकल्प लिया गया देशवासियों की ओर से इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए। पिछले वर्षों में हमने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक खूब विकास किया है, संभावनाओं को संभव बनाया है
और कई कीर्तिमान भी रचे हैं। औद्योगिक प्रगति, सामाजिक विकास, आर्थिक क्षेत्र में आशातीत बदलाव, आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य अवश्यंभावी दिख रहा है। No doubt, India's progress is exemplary. In fact, India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the seemingly impossible become possible. Tradition, philosophy, ideas, science, technology, growth, all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but a larger design. Tolerance, inclusivity and respect have always been valued. Dissent has made us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. The people of a democracy power and fuel the engines of a nation, the driving force of reform, renewal and revival. Good governance is the tool that ensures delivery through its policies and processes, with the ultimate mandate of making sure that every citizen is taken along on the path of progress. Progress essential to every citizen. उम्मीदों, संभावना और जश्न की अभूतपूर्व तारीख है 15 अगस्त 1947। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो वे अपने पीछे एक टूटा हुआ, जरूरतमंद, अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर देश छोड़ गए। तब से लेकर आज जब हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो इस देश ने तरक्की और प्रगति का लंबा सफर तय कर मिसाल कायम की है। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती प्रदान की। इस देश ने कल कारखानों के क्षेत्र में धीमी प्रगति से लेकर औद्योगिक क्रांति तक का सफर तय किया। आज मेक इन इंडिया के सहारे ये दुनिया के अनेक देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। कृषि जगत के लिए ये समय तकनीकी बदलाव और आत्मनिर्भरता का रहा है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद नीली क्रांति ने उत्पादन से लेकर किसानों की आमदनी दोनों में खूब वृद्धि की है। भाखड़ा नांगल बांध हो या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कंप्यूटर क्रांति हो या सूचना तकनीक में सार्थक बदलाव, इस देश ने समय के साथ प्रगति की ऊंची उड़ान भरी है। अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में पहली बार गूंजा था सारे जहां से अच्छा, जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनकर देश को गौरवान्वित किया। सर्व शिक्षा अभियान ने सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक पढ़ाई की एक नई संस्कृति को विकसित किया। भाग्य की रेखाओं की तरह सड़कें तरक्की का रास्ता होती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कीर्तिमान बनाने तक इस देश ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा कमाल किया है। साइकिल पर सैटेलाइट के उपकरण ले जाने से लेकर एक साथ 100 से ज्यादा उपग्रह प्रक्षेपित कर इसरो ने कई ऐसी सुनहरी उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर देश और दुनिया को गर्व है। भारतीय प्राचीन परंपरा योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता मिलना
भारतीय संस्कृति का सम्मान और गौरव का परिचायक है। पिछले 7 दशकों में कुशल प्रबंधन और बेहतर कल्याणकारी योजनाओं का ही कमाल है कि गांव से लेकर रायसेना हिल तक महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। भारत अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ गया है। ऑपरेटर की सहायता से होने वाले ट्रंक कॉल से निकलकर अब 5G के दौर में आ चुके हैं। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि की अनूठी और नायाब पहल है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये राष्ट्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बदल रहा है और गढ़ रहा है नए आयाम। नया संसद भवन पहचान है नए भारत की। देश के इतिहास को संजोते हुए कला, संस्कृति और आधुनिकता की। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी है। भारत सफलता की गौरव गाथा लिख रहा है। ये शांति का दूत है। अमृतकाल में बढ़ता भारत अपने सुनहरे भविष्य की ओर चल पड़ा है। एंड हियर एट रेड फोर्ट द स्टेज इज सेट फॉर द 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस व्हिच विल बी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। A special guest list here today, around 1800 people from different walks of life from all over the country have been invited as special guests to witness the ceremony. In fact, these special guests include over 400 sarpanches, more than 660 vibrant villagers, 250 from farmer producer organizations. We have the Shram Yogis, construction workers of the Central Vista project, and 75 couples, which is really, really unique and a lovely gesture. 75 couples from each state and union territory in their traditional attire have also been invited to witness the ceremony at Red Fort. And today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause to reflect and correct the course required on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. आजादी के पर्व का उल्लास यहाँ लाल किले के प्रांगण में और उसके सामने उपस्थित जनसमूह के चेहरों पर आसानी से पढ़ा जा सकता है। आज का भारत प्रगतिशील भारत है, एक ऐसा देश सारी दुनिया जिसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। सुई से लेकर विमान वाहक पोत तक के निर्माण में आत्मनिर्भरता इसकी एक मिसाल है। आज का भारत जिसके लिए अंतरिक्ष भी अंत नहीं है। आज भारत दूसरे देश के उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रहा है और लगभग हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पिछले 9 वर्षों में राष्ट्र की विकास यात्रा अपने आप में एक उदाहरण है, एक मिसाल है आत्मनिर्भरता की, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास की। नए भारत के नव निर्माण में पिछले 9 साल रहे हैं बेमिसाल। ये 9 वर्ष रहे हैं सेवा के, समर्पण के, सुशासन के, बदलाव के, उन्नति के, प्रगति के, आत्मनिर्भरता के, संकल्प से सिद्धि के और इन सबसे बढ़कर करोड़ों सपनों के साकार होने के। इन 9 वर्षों में भारत ने धरती से लेकर आकाश तक सफलता की तेज उड़ान भरी है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
एक तरफ भारत विदेशी निवेशकों का पसंदीदा केंद्र बन गया है, तो वहीं अनेक क्षेत्रों में आयात में कमी और निर्यात बढ़ने से स्थिति सुदृढ़ हुई है। 8 साल पहले तक भारत रक्षा उत्पाद का आयातक था, अब रक्षा निर्यात 10 गुना बढ़ गया है। इन 9 वर्षों में गांधी जी के सपनों को सच करते हुए ये देश स्वच्छ हो गया है। 11 करोड़ इज्जत घरों यानी शौचालयों के निर्माण से महिलाओं को सुरक्षा मिली और उनका स्वाभिमान भी बढ़ा। 6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त हुए हैं। 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने से लोगों का जीवन बना है बेहतर और खुशहाल। ये एलपीजी क्रांति का ही कमाल है कि पिछले 9 वर्षों में लगभग 17 करोड़ नए एलपीजी उपभोक्ता जुड़े हैं। हर घर नल योजना का कमाल दिखने लगा है। 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचने से दूर से पानी लाने का समय बचा और गंदा पानी पीकर बीमार होने का कष्ट भी मिटा। प्रधानमंत्री का है सपना, हर किसी का घर हो अपना। गरीब और कमजोर तबके के 3.5 करोड़ लोगों को पक्का घर मिलने से उन्हें सुरक्षा मिली और उनका सम्मान भी बढ़ा। से अधिक जन औषधि केंद्रों पर सस्ती और असली दवाइयां मिलने से लोगों को बहुत राहत है, यानी दाम कम दवा महदम। दिव्यांग भारत योजना ने उम्मीद की नई रोशनी दिखाई है। दिव्यांगता की श्रेणी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, जिससे उन्हें सम्मान और अधिकार दोनों मिल रहा है। नेशनल हाईवे बनाने के मामले में गति भी है और प्रगति भी। पिछले 9 सालों में 53,000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो चुका है। भारतीय रेलवे के लिए ये 9 वर्ष तरक्की के रहे हैं। रेलवे ट्रैक का विस्तार हो या इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर सुरक्षा के लिए उठाए गए सार्थक कदमों तक हर स्तर पर प्रगति हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रा में नए पन का अनुभव कराया है। मेट्रो रेल ने भी तेज रफ्तार पकड़ी है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क था, जो अब 20 शहरों में फैल गया है। आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज और एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर देश बना है सशक्त और उन्नत। बीते 9 साल में भारत ने बिजली उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना कर लिया है, जिससे गांव से लेकर शहर तक अंधेरा है गायब और रोशनी से जगमगाहट है कायम। पिछले 9 वर्ष अन्नदाता किसानों के नाम रहे हैं। इनके खेतों में उपज और आमदनी दोनों बढ़ी है। सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान, फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना ने किसानों को राहत भी दी है और सुकून भी। देशवासियों को मिल रही है खाद्य सुरक्षा की गारंटी। इसका अनूठा उदाहरण है 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में मिला 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज। कोविड के मुश्किल दौर में शुरू हुई अपनी तरह की दुनिया की एकमात्र और सबसे बड़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब भी जारी है। 220 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन ने सुरक्षा कवच का काम किया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। इन 9 वर्षों में भारत ने आइडिया से इनोवेशन तक का सफर तय किया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। स्टार्टअप इकाइयों की संख्या में 225% की वृद्धि हुई है। 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न गौरव की बात है। हर हाथ को हुनर मिल रहा है। स्किल इंडिया से
12 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण मिला है और वो अपने जीवन में तरक्की के नए आयाम गढ़ रहे हैं। भारत डिजिटल क्रांति के दौर में है। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। फ्रांस के आईफिल टावर में भारतीय रुपए में डिजिटली लेन देन करना बहुत जल्द मुमकिन होने जा रहा है। ये न्यू इंडिया की नई बुलंदी है। ब्रॉडबैंड सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में 76 लाख से अधिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़े हैं। मंगलयान से लेकर चंद्रयान की सफलता ने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक पर प्रतिबंध, जीएसटी से रिकॉर्ड संग्रह, आयुष्मान भारत से करोड़ों लोगों का मुफ्त इलाज हो या फिर लुप्त प्राय वन्य जीवों का सफल संरक्षण, ये बीते 9 वर्षों की कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिस पर हर किसी को गर्व है। मजबूत विदेश नीति के साथ साथ विदेशों में प्रधानमंत्री को मिल रहे अपार जन समर्थन ने एक नए युग की शुरुआत की है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का कायाकल्प हुआ है। ये समृद्ध भारत की पहचान है। ये सफर जारी है और उम्मीद है कि अमृत काल में प्रगति और तरक्की करते हुए ये देश बनेगा नया भारत। विकास की इस यात्रा में सब शामिल हों, सबके प्रयास सराहे जाएं, इसलिए इस बार स्वाधीनता दिवस समारोह में देश भर से लगभग 1800 लोगों को आमंत्रित किया गया है जो इस समारोह में विशेष अतिथि हैं। इन खास मेहमानों में वाइब्रेंट विलेज के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मछुआरे, सेंट्रल विस्टा के निर्माण के श्रमयोगी, खादी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक, सीमा सड़क संगठन के कार्यकर्ता, अमृत सरोवर परियोजनाओं और हर घर जल योजना से जुड़े लोगों को अपने जीवन साथी के साथ यहां पर आमंत्रित किया गया है और लाल किले की प्राचीर के सामने यहां पर दर्शक दीर्घा में इस समारोह के विशेष अतिथि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 लाभार्थी विशेष अतिथि के तौर पर भी यहां मौजूद हैं। इस बार ई इनवाइट के द्वारा सभी निमंत्रण भेजे गए हैं। कुल 17,000 ई निमंत्रण कार्ड जारी किए गए हैं। समारोह को यादगार बनते हुए देखना और उसका हिस्सा बनना ये जीवन भर की पूंजी है। So when we see the gathering here in this special invitee list, we really understand that a fabric of a nation is dynamic in nature, constantly being renewed and woven, and it is the coming together of threads from different directions and of different textures that the warp and weft of a multiformity develops in a nation, a multiformity that makes India's socio-cultural fabric strong and resilient. And here, positioned right across the ramparts of the Red Fort, we have the Guard of Honor contingent for the national flag. The National Flag Guard contingent, comprising 5 officers and 128 other ranks from the Army, Navy, Air Force and Delhi Police. Excitement writ large on faces. Very special day for the people who've gathered here, because it's a nice August morning, slightly cloudy, slightly sunny. And yes, it's warm, but then there's also the warmth of independence in our hearts. स्वाधीनता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, उत्सव है और ऐतिहासिक लाल किले पर स्वाधीनता दिवस समारोह का भव्य आयोजन
उससे भी बड़ा उत्सव है जिसका सुचारू रूप से आयोजन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर साल की तरह इस साल भी मुख्य तौर पर रक्षा मंत्रालय ने और साथ साथ अन्य एजेंसीज ने, संस्थाओं ने स्वाधीनता दिवस समारोह को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हिंडन एयरबेस से जो जांबाज हैं, एयर वॉरियर्स, वो तैयार हो रहे हैं आकाश में उड़ान भरने के लिए, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे उस समय सेना के दो वायुसेना के उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे और उसकी तैयारियां यहां हिंडन एयरबेस पर चल रही हैं। महीनों के अथक परिश्रम और सम्मिलित प्रयास के बाद ही स्वाधीनता दिवस समारोह का ये यादगार अवसर मूर्त रूप ले पाता है और यकीनन डेडिकेशन यानी पूरा समर्पण और साथ ही साथ संकल्प इसको मूर्त रूप दे पाने में सहायक सिद्ध होते हैं। Ready to take to the skies to give wings to the petals that will be shod. In fact, as the 15th of August draws close, the music being played on radio channels changes pace and beat, and our feelings of belonging as an Indian to this country crop up with greater frequency. And of course, the national flag flutters proudly in many more public and private spaces. And though patriotic feelings need no preparation, spaces that allow their expression today definitely do. And in fact, long after the spoken word has wandered off into the distant vibrations, it is the power of our visual experience that brings back memories. Doordarshan has also done its preparations for this day. The joy of celebration and the colors of independence will be captured by technology to inspire our spirit of togetherness. And for every picture to paint 1,000 words, Team Doordarshan has been working tirelessly to bring you images and visuals that are sure to serenade you with their beauty. Specially placed camera positions giving you shots. भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के सीधे प्रसारण की हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधा प्रसारण के लिए लाल किले पर 36 HD कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम, 5 रोबोटिक PTZ कैमरा और 4 जिमी जिप कैमरा जो डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल किले के सामने चांदनी चौक की तरफ लगा क्रेन कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गांधी को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देकर की जाती है। इसके सजीव प्रसारण के लिए 5 कैमरों के मल्टी सेटअप के जरिए क्रिएटिव एंगल से हर गतिविधि को कैप्चर करने की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यक्रम स्थल लाल किला और राजघाट को ऑप्टिकल फाइबर और DSNG कनेक्टिविटी के साथ दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है। इस आयोजन को सफल बनाने में रक्षा मंत्रालय के साथ CPWD, दिल्ली पुलिस, आर्मी सिग्नल रेजिमेंट जो समारोह स्थल पर संचार व्यवस्था का काम करती है और 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट वायुसेना के विमानों को कमांड देती है, जैसी संस्थाएं विगत कई महीनों से स्वाधीनता दिवस की तैयारी में जुटे हुए हैं। दूरदर्शन के 150 से ज्यादा तकनीकी और कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग
इस प्रसारण के लिए लगे हुए हैं। हमारे स्वाधीनता दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व को मूर्त रूप देने में अनेकों संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, जिसमें लोक प्रसारक की भूमिका में दूरदर्शन सदैव शामिल रहा है। लाल किले का ये ऐतिहासिक प्रांगण शान से लहराता तिरंगा और विशिष्ट अतिथि दीर्घा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज ध्वजारोहण करेंगे लाल किले की प्राचीर से, देश को संबोधित करेंगे और 1100 एनसीसी कैडेट यहां पर अपनी आधिकारिक वेशभूषा में मौजूद हैं। साथ ही देश के कोने कोने से पहुंचे 1800 के आसपास विशिष्ट अतिथिगण, विशिष्ट मेहमान, सरकार की जन भागीदारी की पहल के तहत इसको शामिल किया गया है। इस विशेष पहल को इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह में एक बहुत ही खास अवसर है, एक बहुत ही गर्व और गौरव का अवसर है हर भारतीय के लिए, देश के कोने कोने से जो आज इस स्वाधीनता दिवस समारोह का आनंद ले रहे हैं। उल्लास, उमंग, खुशी, इस मौके पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, अपने आप को उसमें शामिल करना, हर खासो आम के चेहरे पर यह खुशी साफ पढ़ी जा सकती है लाल किले के इस प्रांगण पे। रेड फोर्ट, दिस ग्रैंड सैंडस्टोन फोर्ट्रेस, विदाउट डाउट द सेंटरपीस ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन वन मोर डे ऑफ फेस्टिविटी, epitomizing the power and responsibility that come with freedom, standing strong. In fact, this was the place where the history of medieval India was crafted, and today it stands as a connect between the past and India's modern present. And with major renovation work happening inside the fort, it stands solid in what was while also embracing change. Lal Kile ke samne G20 का संदेश और इधर आजादी का दिन और राष्ट्र का बापू को नमन। बापू ने देश को जोड़ा, बापू ने दुनिया को जोड़ा, जीवन को सरल बनाने के अनूठे और सीधे साधे मंत्र दिए। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना। सत्य का मार्ग कठिन सही मगर वही सही है, बापू ने फिर से बताया। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, बापू ने फिर से सिखाया। आत्मशक्ति, सत्य और दृढ़ता से शक्तिशाली भी झुकता है, बापू ने ये करके दिखाया। कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री यहां पधारेंगे और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। Every year, as Independence Day gets foregrounded in our collective present, we remember our heroes and the legacy of a great name and the inheritance of a great Mahatma. Sounds of truth, brotherhood and non-violence, Mahatma Gandhi, the father, stands out as a unique of courage and strength. Prime Minister Narendra Modi has arrived at the Samadhi of Bapu to pay homage to the father of the nation, who walked and talked the path of peace, tolerance and non-violence to lead India towards freedom. To dream, to dare and to deliver, many have walked this path before. Many more will walk it too. But to walk with light, to walk in spite and to walk with insight, that's what makes leading true. Thank you.
With offerings of gratitude and reverence here at Rajghat, the Prime Minister taking these feelings will now move towards Red Fort for the flag hoisting and his address to the nation. बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू के संदेश और विचारों की विशेषता ये है कि आज की दुनिया में वो और भी प्रासंगिक हो गए हैं। बापू ने एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था जिसका हर गांव स्वावलंबी हो। बापू कहते थे कि वो भारत का उत्थान इसलिए चाहते हैं ताकि सारी दुनिया उसका लाभ उठा सके। So as we celebrate our 77th Independence Day today, we also know that this has been a very special year for India at the international stage. India's G20 presidency began on the 1st of December 2022 and will continue till the summit, which is scheduled to be held on the 9th and 10th of September in New Delhi. This, of course, will be the 18th meeting of the Group of 20 and will be the first ever G20 summit to be held in India as well as in South Asia. तेजी से बदलती दुनिया में देशों के बीच रिश्ते भी बदल जाते हैं। आज की दुनिया में अपने सिद्धांतों पर टिके रहना और हितों की रक्षा करना जटिल होता जा रहा है। अब सारी दुनिया जानती है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कहने और समझाने का प्रभावी तौर तरीका अपनाया है। पिछले वर्षों में भारत के बदले हुए अंदाज के सभी कायल हुए हैं। G20 की अध्यक्षता और मेजबानी भारत के वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव की मिसाल है। वर्तमान समय में दुनिया के हालात को देखते हुए ऐसे मंच और भी खास हो गए हैं। भारत विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी हुंकार दुनिया भर में गूंज रही है, जो अपने साथ साथ दूसरे देशों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ भारत सितंबर में होने वाले G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। G20 अपनी तरह का एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 19 विकसित और विकासशील देशों के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। ये देश आपसी तालमेल के जरिए राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से वित्तीय संकट से बचने के उपाय सुझाते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरण के सभी मानकों का पालन किया जाए, ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो और सभी देशों की आर्थिक प्रगति हो। इंडोनेशिया ने पिछले वर्ष 1 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के भाव के साथ इस उत्तरदायित्व को निभा रहा है। भारत की कोशिश है कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड ना हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत का एजेंडा समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यों के प्रति समर्पित है। इसके लिए देश भर के अलग अलग शहरों में बैठकें की जा रही हैं, जिनमें 100 से ज्यादा सम्मेलन खजुराहो, सूरत, इंदौर, श्रीनगर, लद्दाख, पोर्ट ब्लेयर, उदयपुर और वाराणसी जैसे शहरों में हो चुके हैं। ये बैठकें न केवल G20 को एक नई दिशा दे रही हैं, बल्कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र को गति भी प्रदान कर रही हैं। आज विश्व भारत की संस्कृति, परंपराओं और विविधता को नजदीक से महसूस कर रहा है।
G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनयिक मंच नहीं, अपितु एक नई जिम्मेदारी है। आज भारत का दुनिया पर प्रभाव और विश्वसनीयता बढ़ी है। विश्व का भारत पर ऐसा अटूट भरोसा है कि ये किसी भी देश के हितों की रक्षा के लिए उसके साथ अडिग खड़ा रह सकता है। जब जब भारत आगे बढ़ा है, तब तब विश्व ने प्रगति की है। On the 15th of August 1947, as a jubilant nation stepped into its first year of freedom, with a host of uncertainties about the future, but complete certainty of trust, faith and courage of her people, little did we know that this journey of juggling uncertainty and belief would be playing alongside us as we continue to grow and go from strength to strength. And yes, we have juggled well indeed. Because this day has a very special place in every Indian's heart, and today we all come together to celebrate. All eyes see only the tricolor, all hands rise only in gratitude, and all feet tap only to the rhythm of the nation's heartbeat. We are blessed indeed to inhabit this kaleidoscope of contrasts, culture, and camaraderie we call India. Koi bhi sabhyata aur samaj kisi band mahol ya संकीर्ण सोच के साथ विकास नहीं कर सकते। और यहां लाल किले की प्राचीर के सामने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए यहां उपस्थित लाल किले की प्राचीर के सामने, जहां कुछ ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री पधारने वाले हैं। और ये दृश्य लाल किले के दक्षिणी छोर दिल्ली गेट की ओर से बिगुल का उद्घोष संकेत है कि आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का ये रंग भव्य लाल किले की पृष्ठभूमि और लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का परिचय प्रधानमंत्री से करवाएंगे। सलामी के बाद माननीय प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। उनका काफिला ऐतिहासिक लाल किले की इस भव्य पृष्ठभूमि से आगे बढ़ता हुआ लाल किले की प्राचीर की ओर। A slight breeze, along with the buglers heralding the arrival of Prime Minister Narendra Modi here at Red Fort. The Prime Minister will be received by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and the Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt and Defence Secretary Shri Giridhar Armane. The two Guard of Honours, this right in front you see is the National Flag Guard, and as the Prime Minister's carcade follows the gentle contours of the moat of Red Fort, moving towards Lahori Gate, where is positioned the Prime Minister's Guard of Honour. Maniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ka agaman ho raha hai. स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किले पर, जहां से आज वे ध्वजारोहण करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राजघाट पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड दस्ते के द्वारा, जिसके संयोजन की जिम्मेदारी इस बार थल सेना को सौंपी गई है। थल सेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और उनकी संयुक्त कमान थल सेना के हाथों में इस वर्ष। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, ऐतिहासिक लाल किले पर जिनका विधिवत स्वागत, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव श्री गिरिधर आरामाने द्वारा, रक्षा सचिव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया जा रहा है। जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के द्वारा। और अब गार्ड ऑफ ऑनर। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड जनरल सलूट। सलाम श्रीमान अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। मेजर विकास सांगवान अनाउंसिंग दैट द गार्ड इज रेडी फॉर इंस्पेक्शन, रिक्वेस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर टू इंस्पेक्ट द गार्ड ऑफ ऑनर एंड व्हेन द इंस्पेक्शन बिगिंस द बैंड पोजीशन देयर विल स्ट्राइक अप अ स्लो मार्च। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister now, through the Lahori Gate, will make his way up towards the ramparts of the Red Fort, from where the flag hoisting ceremony will take place and then the Prime Minister's address to the nation. Samman Garat ka nirikshan karne ke baad, Pradhan Mantri ab Lal Kile ki prachir ki or agrasar, विशाल और भव्य लाहौरी गेट प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें हैं। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब ये प्राचीर यहां नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। विशिष्ट दर्शक दीर्घा, केंद्रीय मंत्री आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर। डिग्निटरीज इन द वीआईपी एनक्लोजर्स awaiting the arrival up
to the ramparts of the Prime Minister. This is the first level of the ramparts. Raksha Mantri Rajnath Singh and the three service chiefs greeting the Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर पर. प्रथम तल पर उनका स्वागत किया गया. रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी के द्वारा विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक सभी आज भारत के इस स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर उपस्थित हैं. एक बहुत ही खास अवसर हर विशिष्ट व्यक्ति के लिए और हर उस आम नागरिक के लिए जो आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बन रहा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है. राष्ट्र की विकास यात्रा का हिस्सा बनकर राष्ट्र की प्रगति के पथ का एक अवशेष, एक हिस्सा बनकर उससे जुड़कर द पीपल ऑफ अ डेमोक्रेसी, इट्स इंजन्स, इट्स ड्राइविंग फोर्स, अ सैंपलिंग ऑफ right from the ones with the power, the ones that empower, the governed and the governing, all present over here as India comes together to celebrate her 77th Independence Day with dignity, pride, respect and gratitude. And this is the unity in diversity, the street that epitomizes Chandni Chowk. लाल किले के सामने सर्वधर्म संभाव की अनूठी तस्वीर. लाल किले के ठीक सामने बाई ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी, जिसमें पक्षियों का चिकित्सालय भी है, उसी से लगा हुआ. बराबर में उसके प्राचीन गौरी शंकर मंदिर और ये दृश्य यहां सीधा चांदनी चौक की ओर. विशिष्ट दर्शक दीर्घाएं और लाल किले के बिल्कुल बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर जामा मस्जिद, आर्य समाज मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज. लाल किले से शुरू होकर चांदनी चौक जहां समाप्त होता है वहां फतेहपुरी मस्जिद. ये पूरा इलाका संदेश देता है धार्मिक संभाव का, सद्भाव का, और कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. And this is just across the Red Fort, and when we see Chandni Chowk, it's very quiet today because it's a holiday today, a national holiday, but it's one of the oldest and busiest markets in Delhi. पिछले कुछ समय से इस समारोह में कुछ नए आयाम जोड़े गए हैं और आज जैसा कि हम सब जानते हैं आज के समारोह से आजादी का अमृत महोत्सव संपन्न होगा. और जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, भारतीय वायुसेना के दो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव यहां पुष्प वर्षा करते हुए उड़ान भरेंगे. पहले हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और दूसरे में स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा होंगे. 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी. नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर होंगे. Foreign dignitaries, special invitees from the different embassies,
also here, regular presence. In fact, faces are also familiar for many of us who've been in India, the foreign dignitaries, so we see them, they come every year. Ye Gaurav Gatha hai. I think India is celebrated today across the world for its uniqueness, for its tolerance and its diversity in so many ways. There is always a lot of strength in gentleness. There is a lot of strength in acceptance, and there is a lot of sense which one sees as to how we slowly but completely integrate all those who have once been a part of India or are going to be a part of India. That's the beauty of our inclusivity. अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म सर्वभाव, यही है हमारे देश की पहचान। भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह, 77वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज गार्ड गारद मौजूद है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी और 128 सैन्यकर्मी मौजूद हैं। कमान संभाली है मेजर अभिनव देथा ने। सेना का जो कंटिंजेंट है उसको लीड कर रहे हैं मेजर मुकेश कुमार सिंह। नौसेना दस्ते की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर हरप्रीत मान ने, और वायुसेना कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर श्रेया चौधरी। दिल्ली पुलिस के दस्ते की कमान संभाली है एडिशनल DCP शशांक जायसवाल ने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड द्वारा राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी, 8711 फील्ड बैटरी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार संभाल रहे हैं, और गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनूप सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन लाल किले की प्राचीर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीचिंग the top level of the ramparts to address the nation. पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रीय सलाम, सलाम भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हेलीकॉप्टर Mark 3 पुष्प वर्षा के लिए उपस्थित होते हुए यहाँ ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने कुछ ही क्षणों में वो पहुंचेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे यहाँ उपस्थित जन समूह के ऊपर। विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा इन 2 हेलीकॉप्टर्स में उपस्थित, जिन्होंने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन कर रहे हैं इन एयर वॉरियर्स का, इन जांबाजों का, जिन्होंने देश की वायुसेनाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
और यहाँ स्वाधीनता दिवस समारोह को एक पुष्पित कलेवर प्रदान करते हुए। The ceremonial red and gold flower petals being showered from the air warriors up in the sky. And here, the national flag guard marching off, commanded by Major Abhinav Deta. And in a short while from now, the Prime Minister will address the nation. मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर एक पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी और अध्यात्म जीवन के ऋषितुल्य प्रणेता श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के 150वीं जयंती का वर्ष है। ये वर्ष रानी दुर्गावती के 500वीं जन्मशती का बहुत ही पवित्र अवसर है, जो पूरा देश बड़े धाम धूम से मनाने वाला है। ये वर्ष
मीराबाई, भक्ति योग की सिरमौर मीराबाई के 525 वर्ष का भी ये पावन पर्व है। ये बार जो 26 जनवरी हम मनाएंगे वो हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। अनेक प्रकार से अनेक अवसर, अनेक संभावनाएं राष्ट्र निर्माण में जुटे रहने के लिए पल पल नई प्रेरणा, पल पल नई चेतना, पल पल सपने, पल पल संकल्प, शायद इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे परिवारजन, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है, देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम इतिहास की तरफ नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमीट छाप छोड़ करके जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है और कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है। हमें याद है 1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ, एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जकड़ते गए, जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो, लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही है। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजादी के लौ को जलता न रखा हो, बलिदान की परंपरा न बनाई। मां भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी और
देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के किसान, देश के गांव के लोग, मजदूर, कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता ना हो, आजादी को पाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वालों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई थी। जेलों में जवानी खपाने वाले अनेक महापुरुष हमारे देश की आजादी को, इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे। मेरे प्यारे परिवारजनों, जन चेतना का वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप जन जन के अंदर एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। हजार साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं हजार साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, ये अमृत काल का पहला वर्ष है, या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ है, उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मां भारती जागृत हो चुकी है और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है, पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया है। विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है, विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज पूरे विश्व में लोग, वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तब भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो
तो ये मेरे भारत माँ की गोद में है, ये मेरे देश में है। और 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो, मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इच्छित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती है, यह सामर्थ्य देश के भाग्य को बदल देता है। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं। और इसलिए अब हमें न रुकना है, न दुविधा में जीना है। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए, हमें फिर एक बार, और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है। और इसलिए हमें ये गंवाना नहीं है, युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है, और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देख करके। आज दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है, और तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है। साथियों, मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था, और बाली में दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश, दुनिया के विकसित देश भी, उनके मुखिया मुझे भारत की डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए बारीकियों से जानने के लिए इच्छुक थे। हर कोई इसका सवाल पूछता था, और जब मैं उनको कहता था कि भारत ने जो कमाल किया है ना, वो दिल्ली मुंबई चेन्नई तक सीमित नहीं है, भारत ने जो कमाल कर रहा है, मेरे टियर 2 टियर 3 सिटी के युवा भी आज मेरे देश का भाग्य घड़ रहे हैं, छोटे छोटे स्थान के मेरे नौजवान। और मैं आज बड़े विश्वास से कहता हूं, देश का ये जो सामर्थ्य नया नजर आ रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं, हमारे छोटे शहर आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, ये हमारे छोटे छोटे शहर, हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आशा और आकांक्षा, प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है, वो सामर्थ्य उनके अंदर है। नए ऐप्स, नए सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी डिवाइस, अब खेलों की दुनिया देखिए, कौन बच्चे हैं, झुग्गी झोंपड़ी से निकले हुए बच्चे आज खेलों की दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं।
छोटे छोटे गांव के, छोटे छोटे कस्बे के नौजवान, हमारी बेटे बेटियां आज कमाल दिखा रही है। अब देखिए, मेरे देश की 100 जितनी स्कूल ऐसी हैं जहां के बच्चे सैटेलाइट बना करके सैटेलाइट छोड़ने की तैयारियां कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब नए वैज्ञानिकों का गर्भाधान कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब लाखों बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से मेरे देश की माताओं, बहनों, मेरे देश की बेटियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। देश आज जब पहुंचा है, अब विशेष शक्ति जुड़ रही है मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य की। आज देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है, तो मैं मेरे किसान भाई बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। यह आप ही का पुरुषार्थ है, यह आप ही का परिश्रम है कि देश आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे मजदूरों का, मेरे श्रमिकों का, मेरे प्रिय परिवारजन, ऐसे कोटि कोटि श्रमिकों को आज मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं। देश आज जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, विश्व की तुलना करने वाले सामर्थ्य के साथ नजर आ रहा है, उसके पीछे मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज समय कहता है कि लाल किले की प्राचीर से मैं उनका अभिनंदन करूं, उनका अभिवादन करूं। और ये मेरे परिवारजन 140 करोड़ देशवासी, मेरे इन श्रमिकों का, रेहड़ी पटरी वालों का, फूल सब्जी बेचने वालों का हम सम्मान करते हैं। मेरे देश को आगे बढ़ाने में, मेरे देश को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाने में प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है, बढ़ती रही है। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, शिक्षक हो, आचार्य हो, यूनिवर्सिटीज हो, गुरुकुल हो, हर कोई मां भारती का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है। मेरे प्यारे परिवारजनों, राष्ट्रीय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है। और आज वो राष्ट्रीय चेतना ये सिद्ध कर रही है कि भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास, और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों का है, हमारी रीति का है। भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका है। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है। और ये विश्वास की नई बुलंदियां नए सामर्थ्यों को लेकर के चलनी चाहिए। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले एक साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है, भारत की विविधता का परिचय कराया है, भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है, और उसके कारण भारत के तरफ आकर्षण बढ़ा है, भारत को जानने की, समझने की इच्छा जगी है।
उसी प्रकार से आप देखिए एक्सपोर्ट, आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूं दुनिया के एक्सपर्ट्स इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी वो भारत का गौरव कर रही है। कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी और मैं विश्वास से देख रहा हूं कि जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल इक्वेशन की सारे व्याख्याएं बदल रही है, परिभाषाएं बदल रही है और मेरे प्यारे परिवारजनों आप गौरव करेंगे, बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों आपका सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं और कोरोना काल में भारत ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया, दुनिया ने हमारे सामर्थ्य को देखा है। जब दुनिया के सप्लाई चेन तहस नहस हो गई थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव था, उस समय भी हमने कहा था हमें विश्व का विकास देखना है तो मानव केंद्रीय होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ होना चाहिए और तब जाकर के समस्याओं का सही समाधान निकालेंगे। और कोविड ने हमें सिखाया है या हमें मजबूर किया है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को छोड़ करके हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। आज भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन, उसमें भारत की हिस्सेदारी, मैं पक्का विश्वास से कहता हूं आज जो भारत ने परिस्थिति पैदा हुई, आज जो भारत ने कमाया है वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। दोस्तों अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है मेरे प्यारे देशवासियों, अब गेंद हमारे पाले में है, हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए, हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में मैं मेरे देशवासियों का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि मेरे देशवासियों में एक नीर क्षीर विवेक का सामर्थ्य है, समस्याओं की जड़ों को समझने का सामर्थ्य है और इसलिए 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई और 3 दशकों के जो अनिश्चितता का कालखंड था, जो अस्थिरता का कालखंड था, जो राजनीतिक मजबूरियों से देश जकड़ा हुआ था, उससे मुक्ति बनी है। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के पास आज एक ऐसी सरकार है वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, देश के संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई, जनता की भलाई के लिए लगा रही है। और मेरी सरकार
मेरे देशवासियों का मन एक बात से जुड़ा हुआ है, हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और राष्ट्र प्रथम यही दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है। देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है, और लेकिन मैं कहना चाहूंगा 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई, और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई, और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई, और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, और जनता जनार्दन जुड़ गई तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है, और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करने वाले। दुनिया को युवा शक्ति की जरूरत है, युवा स्किल की जरूरत है। हमने अलग स्किल मिनिस्ट्री बनाई, वो भारत की आवश्यकताओं को तो पूरी करेगी, वो दुनिया की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का भी सामर्थ्य रखेगी। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। मंत्रालय की बनाने की रचना को भी अगर वो एनालिसिस करेगा ना, तो इस सरकार के मन मस्तिष्क को बड़े अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। ये जल शक्ति मंत्रालय हमारा हमारे देश के एक एक देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी के प्रति संवेदनशील व्यवस्थाएं विकसित हो, उस पर हम बल रहे हैं। हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है, होलिस्टिक हेल्थ केयर ये समय की मांग है। हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया, और योग और आयुष आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने दुनिया को हमारे कमिटमेंट के कारण विश्व का हमारे प्रति ध्यान गया है। अगर हम ही हमारे इस सामर्थ्य को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। लेकिन जब मंत्रालय बना तो दुनिया को भी उसका मूल्य समझने आया। मत्स्य पालन, हमारा इतना बड़ा समुद्री तट, हमारे कोटि कोटि मछुआरे भाई बहन, उनका कल्याण भी हमारे दिलों में है, और इसलिए हमने अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेयरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की, ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए उनको हम साथ लें। देश में सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए, और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया, और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है, ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और वो भी राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम 2014 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है,
जो एक भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं भरती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे, पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले। और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपये, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है, और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है तो नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिक को करा है। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनको एक ताकत दी है। वन रैंक वन पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। सभी कैटेगरी में, मैंने तो कुछ ही गिनाए, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, हर कैटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुना धन देश के विकास के लिए, कोने कोने में रोजगार पैदा करने के लिए, पाई पाई का उपयोग भारत का भाग्य बदलने के लिए हो, और इसलिए हमने काम किया है। और मेरे प्यारे प्रियजनों, इतना ही नहीं, हमने इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज 5 साल के मेरे कार्यकाल में, 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है, उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है,
आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है। हमने जल जीवन मिशन हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। हमने आयुष्मान भारत योजना ताकि गरीब को बीमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसीबत होती थी उसको मुक्ति दिलाना, उसको दवाई मिले, उसका उपचार हो, ऑपरेशन हो, अच्छे से अच्छी अस्पताल में हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 हजार करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। पशुधन, देश ने कोरोना वैक्सीन की बात तो देश को याद है, 40 हजार करोड़ रुपए लगाए, वो तो याद है, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब करीब 15 हजार करोड़ रुपया पशुधन के टीकाकरण के लिए लगाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है वो 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपये में दी, और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी ऐसे लोगों के करीब 20 हजार करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है, और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है, और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा, ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है, जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है, और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है। हम उसको बल देकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं, और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथोराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन
अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। मेरे मध्यम वर्ग के परिवार को जब 2 लाख से 7 लाख इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाभ सैलरी क्लास को होता है, मेरे मध्यम वर्ग को होता है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले, अब दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है, हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है, युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की है। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए बरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे, मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश अनेक क्षमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है, देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है, आज देश रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, आज देश ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहा है, देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है, देश में रेल आधुनिक हो रही है तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है, गांव-गांव पक्की सड़कें बन रही है तो इलेक्ट्रिक बसें मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रहे हैं, आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश तय कर रहता है, नैनो यूरिया नैनो डीएपी उस पर काम हो रहा है तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं, आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने के लिए चाह रहे हैं, हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं, हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज भारत पुरानी सोच पुराने ढरे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा से चल रहा है, और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, यह हमारी कार्यशैली रही है, और सोच से भी ज्यादा संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था, उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था, करीब 50-55 हजार अमृत सरोवर की कल्पना की थी, लेकिन आज करीब करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जन तक बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा,
और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके जाता है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछते हैं 200 करोड़ सुनती है उनकी आंखें फट जाती है, इतना बड़ा काम। ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखाया। ये मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया, दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था 21-22 में इसको पूरा कर दिया। हमने इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर दिया। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पहले $500 बिलियन से ज्यादा कर दिया। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने, पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसद के, ये मोदी है समय के पहले नई संसद बना करके रख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है, ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हांफता है और न ही ये भारत हारता है। और इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, और मेरे देश के आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आए दिन हम लोग सुना करते थे यहां बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ, हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है, और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अनुमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है, निर्दोषों के जो मौत होते थे वो बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, प्रगति के हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, यह हम सबका सामूहिक दायित्व है। और
आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आँच आए, नैसी मेरी भाषा होगी, नैसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सबने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं देख रहा हूं, अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में, मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा, हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। तीसरी बात है, देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के, और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है और उसके महत्व को स्वीकार कर करके वो उसको बहुत बल दे रहे हैं। उसी प्रकार से भारत विविधताओं से भरा देश है, असंतुलित विकास के हम शिकार रहे हैं। मेरा पराया का के कारण हमारे देश के कुछ हिस्से उसके शिकार रहे हैं। अब हमें रीजनल एस्पिरेशंस को, संतुलित विकास को बल देना है और रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर के उस भावना को हमें सम्मान देते हुए, जैसे हमारी भारत माँ का कोई, हमारा शरीर का कोई अंग अगर अविकसित रहे तो हमारा शरीर विकसित नहीं माना जाएगा, हमारा शरीर का कोई अंग दुर्बल रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं माना जाएगा। वैसे ही मेरी भारत माता, उसका कोई एक भूभाग भी, समाज का कोई तबका भी अगर दुर्बल रहे तो मेरी भारत माता समर्थ है, स्वस्थ है, ऐसा बैठ करके हम नहीं बैठ सकते। और इसलिए रीजनल एस्पिरेशन को हमने एड्रेस करने की आवश्यकता है और इसलिए हम समाज का सर्वांगीण विकास हो, सर्वपरसी विकास हो, भूभाग के हर क्षेत्र को उसकी अपनी ताकत को खिलने का अवसर मिले, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, भारत मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी भी है। भाषाएं अनेक हैं, बोलियां अनेक हैं, परिधान अनेक हैं, विविधताएं बहुत है, हमने उन सारे लोगों को, सारे को आधार पर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के, जब मैं एकता की बात करता हूं तब अगर घटना मणिपुर में होती है तो पीड़ा महाराष्ट्र में होती है, अगर बाढ़ आसाम में आती है तो बेचैन केरला हो जाता है, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो, हम एक अंगांगी भाव की अनुभूति करते हैं। मेरे देश की बेटियों पर जुल्म न हो,
ये हमारा सामाजिक भी दायित्व है, ये हमारा पारिवारिक दायित्व भी है और ये देश के नाते हम सबका दायित्व है। आज जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को लाते हैं तो पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। जब आज दुनिया के किसी देश में कोविड के काल में मेरा कोई सिख भाई लंगर लगाता है, भूखों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाही होती है तो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं, मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा था तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था, मैंने उनको कहा, आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है, तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं। और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसके कारण हमारे परिवारजनों का, मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, आईवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज, वाटरवेज हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आज देश काम न करता हो। पिछले 9 वर्ष में तटीय क्षेत्रों में हमने आदिवासी क्षेत्र में, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में विकास को बहुत बल दिया है। हमने पर्वतमाला, भारतमाला ऐसी योजनाओं के द्वारा समाज के उस वर्ग को हमने बल दिया है। हमने गैस की पाइपलाइन से हमारे पूर्वी भारत को जोड़ने का काम किया है। हमने अस्पतालों की संख्या बढ़ाई है, हमने डॉक्टर की सीटें बढ़ाई है ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। हमने मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया है, अब मातृभाषा में वो पढ़ाई कर सके उस दिशा में। और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसकी भाषा में उसको उपलब्ध होगा। मातृभाषा का महात्म्य आज बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई परिवारजनों, आज तक हमारे देश के जो बॉर्डर विलेज हैं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का एक कार्यक्रम शुरू किया है और वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखिरी गांव,
हमने उस पूरी सोच को बदला है, वो देश का आखिरी गांव नहीं है। सीमा पर जो नजर आ रहा है वो मेरे देश का पहला गांव है। अगर सूरज उगता है पूरब में तो उस तरफ के गांव में पहली सूरज की किरण आती है, अगर सूरज ढलता है तो इस तरफ के गांव में आखिरी किरण उसका लाभ मिलता है। ये मेरे पहले गांव है और मुझे खुशी है कि आज मेरे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। पहली बार वो इतनी दूर तक आए हैं, नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ जुड़ने के लिए आया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमने संतुलित विकास के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक की कल्पना की और आज उसके सुखद परिणाम मिल रहे हैं। आज राज्य के जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कभी बहुत पीछे थे, वो आज राज्य में भी अच्छा करने लग गए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये हमारे आकांक्षी जिले, हमारे आकांक्षी बोल अवश्य आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था, भारत का चरित्र की चर्चा कर रहा था तो मैंने पहला कहा था भारत की एकता, दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें, तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जैसे रीजनल एस्पिरेशन मैंने चौथी बात कही थी, पांचवी महत्व की बात और भारत ने उस दिशा में जाओ और वो है हमारा राष्ट्रीय चरित्र विश्व मंगल के लिए सोचने वाला होना चाहिए। हमें देश को इतना मजबूत बनाना है जो विश्व मंगल के लिए भी अपनी भूमिका अदा करे। और आज कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से संकट की घड़ी में देश ने दुनिया की मदद की, उसका परिणाम है कि आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूप में, विश्व का अटूट साथी के रूप में आज मेरे देश की पहचान बनी है। हमें जब विश्व मंगल की बात करते हैं तब भारत का मूलभूत विचार है, उस विचार को हम आगे बढ़ाने लोग हैं और मुझे खुशी है कि आज अमेरिकी संसद के भी कई चुने हुए गणमान्य प्रतिनिधि भी आज हमारे 15 अगस्त के इस अवसर में हमारे बीच में मौजूद है। भारत की सोच कैसी है, हम विश्व मंगल की बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं, अब देखिए हम जब सोचते हैं तो क्या कहते हैं। हमने दुनिया के सामने ये दर्शन रखा है और दुनिया उस दर्शन को लेकर के हमारे साथ जुड़ रही है। हमने कहा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमारा स्टेटमेंट है, आज दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। कोविड के बाद हमने दुनिया को कहा हमारा अप्रोच होना चाहिए वन अर्थ वन हेल्थ, समस्याओं का समाधान तभी होगा जब मानव को, पशु को, पौधे को बीमारी के संबंध में समान रूप से एड्रेस किया जाएगा, तब जाकर के हम करेंगे। हमने G20 समिट के लिए दुनिया के सामने कहा है वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, इस सोच को लेकर के चल रहे हैं। हमने क्लाइमेट को लेकर के दुनिया जो संकट से जूझ रही है, हमने रास्ता दिखाया है, लाइफ मिशन लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और आज दुनिया के कई देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। हमने बायोडायवर्सिटी का महत्व देखते हुए बिग कैट अलायंस की व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाया है। हमने प्राकृतिक आपदा के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है उसके लिए दूरगामी व्यवस्थाओं की जरूरत है और इसलिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI एक समाधान के रूप में दुनिया को दिया है। विश्व आज समुद्रों को संघर्ष का केंद्र बना रहा है, तब हमने दुनिया को सागर का प्लेटफॉर्म दिया है जो वैश्विक समुद्री शांति की गारंटी बन सकता है।
हमने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बल देते हुए WHO का एक ग्लोबल लेवल का सेंटर हिंदुस्तान में बनाने की दिशा में काम किया है। हमने योग और आयुष के द्वारा विश्व कल्याण और विश्व के स्वस्थता की दिशा में काम किया है। और आज भारत विश्व मंगल की मजबूत नींव डाल रहा है। इस मजबूत नींव को आगे बढ़ाना हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेवारी है। मेरे प्यारे परिवारजनों, सपने अनेक है, संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नियत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसके समाधान के लिए मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं आज लाल किले से आपकी मदद मांगने आया हूं। मैं लाल किले से आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है, देश की आवश्यकताओं को जो मैंने परखा है और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज गंभीरता पूर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा। आजादी के अमृत काल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। और इसके लिए सुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचोली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में
और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टिकरण की है। ये तुष्टिकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है, हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमांदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना, मन में गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोगों का मोदी ऐसा करता है, जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके वीडियो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे सरकारी व्यवस्था ने पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी, हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज परिवारवाद और तुष्टिकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली।
इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत उसी प्रकार से तुष्टिकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टिकरण की सोच, तुष्टिकरण की राजनीति, तुष्टिकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है और इसलिए हमें तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, हम सबका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। आपने जिस प्रकार से जिंदगी जी है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना ये हमारा गुनाह है। ये हमारा दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा समृद्ध देश दें, ऐसा संतुलित देश दें, ऐसा सामाजिक न्याय की धरोहर वाला देश दें, ताकि छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए उन्हें कभी भी संघर्ष न करना पड़े। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है और ये अमृत काल कर्तव्य काल है। हम कर्तव्य से पीछे नहीं हो सकते। हमें वो भारत बनाना है जो पूज्य बापू के सपनों का था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों का सपना था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर शहीदों का था, हमारी वीरांगनाओं का था, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया था। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य,
आपके संकल्प पर उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्यारे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता है, अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं। क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता हूं, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बनकर के, आपका एक सेवक बनकर के आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। और मुझे विश्वास है हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ है। आजादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। और 140 करोड़ देशवासियों को एक ऐसा अवसर आया है, ये अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल लेकर के आया है। और इसलिए मेरे प्यारे प्रियजनों, आज जब मैं अमृत काल में आपके साथ बात कर रहा हूं, यह अमृत काल का पहला वर्ष है, यह अमृत काल के पहले वर्ष पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं, चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, धीर चले वीर चले युवा हमारे, नीति सही रीति नहीं, नीति सही रीति नहीं, गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम, मेरे प्यारे परिवारजन, हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परिवारजन, दुनिया के कोने कोने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आजादी के पावन पर्व की फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अमृत काल हम सबके लिए कर्तव्य काल है, ये अमृत काल हम सबको मां भारती के लिए कुछ कर गुजारने का काल है। आजादी का जब जंग चल रहा था 1947 के पहले, जो पीढ़ी ने जन्म लिया था उन्हें देश के लिए मरने का मौका मिला था, वो देश के लिए मरने के लिए मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन हमारे नसीब में
देश के लिए मरने का मौका नहीं है, लेकिन हमारे लिए देश के लिए जीने का ये इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होता। हमें पल पल देश के लिए जीना है। इसी संकल्प के साथ इस अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Modi sharing with the people his government's achievements and milestones and outlining future initiatives and policy directions. And as is traditional, we can see hundreds of balloons in the colors of the national flag being released into the air. And as they rise up, they celebrate their freedom. They rise with a new purpose, as if carrying with them the hopes and aspirations of a nation on the move towards the promise of a future that is fair for all and bright for generations to come. Just as the symbolic hoisting of our flag symbolizes the rising of a new nation free from colonial rule, the release of these balloons, as if towards a higher calling, raising our celebratory spirits to the next level. स्वाधीनता दिवस समारोह रंगों का उत्सव लग रहा है। सभी रंग अपनी पूरी चमक दमक के साथ यहां की फिजाओं में मौजूद। माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अब प्रस्थान कर रहे हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह अब अपने समापन की ओर बढ़ता हुआ ऐतिहासिक अवसरों का गवाह बनते बनते ये लाल किला खुद इतिहास में दर्ज हो चुका है। और अब इसी लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्र को संबोधित करने के पश्चात अब प्रस्थान करते हुए। So though the ceremony may have concluded here at Red Fort, the celebration still continues. And as we move ahead after marking our 77th Independence Day, we celebrate all our strengths: a thriving democracy, a young population,
an optimistic prognosis for the future, self-reliance in virtually every field, an emerging global leadership position, and a homegrown market to ensure financial vibrancy. In fact, the coming years will see us bridge our gaps, mitigate our shortcomings, and strengthen our position on the world stage. We have the desire, we have the drive, and we have to deliver. Prime Minister Narendra Modi, after addressing the nation, now leaving Red Fort. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को लाल किले की प्राचीर से संबोधित करने के उपरांत प्रस्थान कर रहे हैं। भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह नए संकल्पों का अवसर, प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में न केवल पिछले उपलब्धियों का जिक्र किया जहां देश एक नई करवट लेता दिख रहा है, वहीं आगे आने वाले दिनों में देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो संकल्प हैं, उनको भी रेखांकित किया। पिछले वर्षों में देश में जो बदलाव हुए हैं वो अपने आप में नए, अनुपम और अनूठे हैं। ये पॉजिटिव चेंज हैं, सकारात्मक बदलाव है। समाज का सबसे कमजोर तबके का आदमी भी खुद में जिन्हें महसूस कर रहा है, एक नई उम्मीद है, कुछ बेहतर कर गुजरने का, कर दिखाने का जज्बा है, आगे बढ़ने का जोश है, सफलता का परचम फहराने का बुलंद हौसला है, सरकार पर भरोसा है, शानदार वर्तमान के दम पर चमकदार भविष्य बनाने की ओर बढ़ते कदमों ने न्यू इंडिया के सपनों में रंग भरना शुरू कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में इन सभी बातों की ओर इशारा किया है और आज का जो स्वाधीनता दिवस समारोह है वो अनेकता में एकता, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व परिदृश्य पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता हुआ नजर आया है। यकीनन एक बहुत ही खास अवसर, एक बहुत ही विशिष्ट मौका देश के हर नागरिक के लिए। लाहौरी गेट से बाईं ओर माननीय प्रधानमंत्री का काफिला बढ़ता हुआ लाल किले की प्राचीर के सामने का चौक, जहां ज्ञान पथ है, वहां एनसीसी के कैडेट्स मौजूद हैं। प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह पर संबोधन के पश्चात यहां स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट से अवश्य मिलते हैं। यह ऐसा अवसर होता है जो इन किशोरों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी और यादों में संजोकर सहेज कर रखने का अवसर होता है। A slight wind picking up the flutter in the flags and stirring the ambience with a satisfying sweep, and of course challenging the power of the sun. The Prime Minister's car gate now stopping on the road in front of the fort's moat, across which school children, NCC cadets, have been sitting with great discipline, great respect, and of course great expectation for this view, for the close-up view of Prime Minister Narendra Modi as he alights from his vehicle to go down deep into their seating area to meet and greet them. There he is, encouraging them. And the disciplined restraint with which they are meeting him. Very special moment for all of them. Young India, our youth, our future.
It is the responsibility of a nation to nurture and cherish its children, to expose them to different opportunities, to help them avail those which are the best for them. And these moments and these words of encouragement, these conversations, these slightly light-hearted interactions with their Prime Minister, definitely going to leave some very special memories in their hearts. देश के कोने कोने से ये एनसीसी कैडेट्स यहाँ पहुँचे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उनकी यही खासियत है, देश के सर्वोच्च नेतृत्व का युवा शक्ति से सीधा संवाद, अनुशासन बनाए रखना है, साथ ही साथ बातचीत भी कर रही हैं, इंटरेक्शन भी करना है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। एनसीसी की जो तीनों विंग्स हैं उसमें देश के कोने कोने से 1100 कैडेट्स यहां पर पहुंचे हैं भारत माता की जय के नारे लगाते हुए। ये सभी कैडेट्स प्रशासन की सीमा के साथ अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर का जो उत्साह है वो आह्लादित महसूस कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाएगा तो शायद शब्दों में उसे बयान करना मुश्किल होगा। यकीनन इन सभी के लिए एक बहुत ही यादगार, कभी ना भुलाने वाला, अविस्मरणीय मौका। एक शब्द है कनेक्ट, जिसको हम अब देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ जिस तरह से संपर्क स्थापित करते हैं वो बहुत सीखने लायक भी है और वो एक बिल्कुल अद्भुत सा क्षण होता है। इन सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, ये एक ऐसा मौका जिसकी कल्पना अक्सर करना मुश्किल होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री के आप इतने निकट हों। लाल किले की प्राचीर से संबोधन के बाद जोश, उत्साह और ऊर्जा, वो सब और इन किशोरों के साथ वो और बढ़ती हुई और सब तक पहुंचती हुई। Absolutely. In fact, the beauty of youthful spirit is that it's infectious. So the Prime Minister also getting a spring in his step. There's a lightness of being. And there is, of course, the joy of connecting. A special quality, a special leadership quality exhibited here. अब प्रधानमंत्री उस दीर्घा की तरफ जा रहे हैं जहां विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया और आज वो इस समारोह के साक्षी बने। ये खास मेहमान, उनकी संख्या लगभग 1800, अलग अलग क्षेत्रों से, समाज के, उन सब से अभिवादन स्वीकार करते हुए And as the Prime Minister continues with these close interactions, we can see across all age groups, patience, forbearance, love, all in different capacities being exhibited here. We step into our 77th year of our independence and the completed figures of the decades gone by as a free nation. There is also a great responsibility that rests on our shoulders. And in moments like these, in moments of festivities, in moments of interaction, we also reflect often, have we achieved what we envisioned for ourselves? Yes, we have in many ways. Have we made progress? Have we managed to ensure that the most needy have also been included? Attempts are definitely on.
And the times are changing so rapidly, and the relevance of what we have achieved to the advancements made have never been so critical. And India is on the cutting edge of that movement. कोई उन्हें मिलना चाहता है, कोई उन्हें छूना चाहता है, कोई उन्हें कुछ भेंट करना चाहता है, और अधिकतर लोग अपने कैमरों में उन्हें कैद कर लेना चाहते हैं। ये उनके लिए एक ऐसी पूंजी है जो बेशकीमती है। प्रधानमंत्री स्वयं चाहते हैं कि वो एक एक व्यक्ति से मिले। अद्भुत दृश्य, इनका आनंद लीजिए। The meeting of hands, the meeting of hearts, the meeting of people. Red Fort today witness to some very precious moments for a diverse lot of people, extremely happy that they came here in person to attend the ceremony. जनमानस का, जन समूह का इंतजार मानो फलीभूत हुआ है, और जो प्रतीक्षा की घड़ियां थी वो समाप्त हुई हैं। शायद आज बहुतों ने बहुत कुछ पा लिया, बहुत बहुत कुछ पाना चाहते हैं। सभी शायद सेल्फी चाहते हैं, यादों के घरौंदे में संजो रखना चाहते हैं इस अवसर को, इस मकाम को, इस मौके को। देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज स्वयं उनके बीच है, खुशियां साझा कर रहा है, ये यादगार पल साझा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका खास अंदाज जनता से अपने आप को जोड़ने का, और यहां मौजूद हजारों की संख्या में स्वाधीनता दिवस समारोह के साक्षी बने ये हर खासो आम जनमानस, देश के कोने कोने से पहुंचे हुए विशिष्ट अतिथिगण 1800 के आसपास, सभी ने ये महसूस किया कि आज का जो स्वाधीनता दिवस समारोह है वो यकीनन अपनी पूर्णता की ओर पहुंचा है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इतने नज़दीक होना, इतने पास रहना, उनसे संवाद करना, उनसे बातचीत करना, और आप कल्पना करें एनसीसी के उस कैडेट के बारे में जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हाथ मिलाया है, उनके लिए कभी ना भुलाने वाला अवसर, कुछ इमोशनल मोमेंट भी। और यकीनन आप देखें, माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसी को भी निराश नहीं करना चाहते। अगर उनका बस चले तो शायद वो यहाँ पर और बहुत समय बिताएं, लेकिन देश के लिए बहुत काम करने हैं, बड़े संकल्प हैं, आगे आने वाले दिनों में नई यात्राएं करनी है, देश के कोने कोने में विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है, और देश की विकास की जो यात्रा है उसे पूर्णता तक पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जनमानस का अभिवादन करते हुए, प्रस्थान करते हुए इस लाल किले की प्राचीर के सामने के प्रांगण से। An Indian democracy too has an aspiration for this large, multicultural, multi-religious and multilingual nation, and tall in the comity of nations, as the largest democracy in the world, to anchor its governance on the principle of a voice for all places and a place for all voices. And today, a touch for all hands. शानदार स्वाधीनता दिवस समारोह समापन की ओर बढ़ता हुआ, और लाल किले के सामने से अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ मंजिल तक सफर करते हैं, और कुछ की मंजिल ही सफर होती है। विकास की यात्रा निरंतर चलती रहती है, नए लक्ष्य, नए प्रयास, कुछ नया करने की सदा आस। हर्ष का नव उत्कर्ष आजादी के 76 वर्ष। स्वाधीनता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।